हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लिखूं कि नहीं लिखूं, पुलिस को बताना अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो एडिटर बोलेगा मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ, एडिटर को बताना अच्छा है। हाँ, एडिटर को। अगर मेरा शक गलत निकला तो हमारे अखबार की बहुत बदनामी हो जाएगी, पर अगर मेरा शक सही निकला तो आग लग जाएगी, आग हर जगह। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। What should I do? कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? ये यहाँ पे हाथ धो रहा था तभी इस पे पीछे से अटैक हुआ, गला घोटा गया है मेटल वायर से। सर, तार अंदर तक चला गया है, बहुत ही ताकत से गला घोटा गया है। गोली निशान से लंबा था, ये आप कैसे कह सकते हैं? निशान नीचे से ऊपर की तरफ है, ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। ओहो, ये देखो, जाते जाते खूनी अपने चप्पल का निशान छोड़ गया है। लगता 9-10 नंबर की चप्पल होगी। विवेक सर, निशान उठा लो। यस सर। कुछ मिला काज? तो सारी चीजें उधर से खड़े हैं। खूनी ने निशिकांत के केबिन की अच्छी तरह से तलाशी ली। मेज में ऐसा क्या था खूनी यहां से चुराना चाहता था? सर, ये देखिए सर, निशिकांत ने अपने केबिन में सर ये मैग्नेटिक लॉक लगा रखा है। बाकी ऑफिस के किसी भी केबिन में ऐसा मैग्नेटिक लॉक नहीं है सर। अच्छा, ये ताला तो कार्ड से खुलता है ना, चाबी वगैरह तो नहीं होती? नहीं सर, ये कार्ड से खुलता है। निशिकांत के अलावा किसके पास था ये कार्ड? सर, ये कार्ड सिर्फ उन्हीं के पास रहता था। अब उन्होंने ये कार्ड किसी और को दिया हो सर, ये मुझे नहीं पता। निशिकांत जब काम करते थे तो ये केबिन बंद रहता था? जी हाँ सर, हमेशा बंद रहता था। इसका मतलब ये काम किसी पास वाले आदमी का है, किसी ऐसे आदमी का है जिस पर निशिकांत ने भरोसा किया और उसे अपना कार्ड दिया। वैसे ये ताला सिर्फ निशिकांत के केबिन पे ही क्यों है? पता नहीं सर, पर उन्होंने एडिटर साहब से खास रिक्वेस्ट की थी कि उनके केबिन में लॉक लगाया जाए। जिस समय निशिकांत यहाँ काम कर रहे थे उस वक्त ऑफिस में कौन कौन लोग मौजूद थे? एक मिनट सर, अनिल
रजिस्टर लेके आना। सर कौन कब आता है कब जाता है हम सारे लोगों की एंट्री करके रखते हैं रजिस्टर में। ये लीजिए सर। 7 लोग थे ऑफिस में, 6 स्टाफ के और 1 विजिटर, विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य कौन है? सर ये बिजनेसमैन है, इंटरव्यू के लिए आए थे। आपके ऑफिस में चप्पल कौन पहनता है 9-10 नंबर की? चप्पल? चप्पल तो अमित साहब ही पहन के आते थे सर। अब चप्पल 9 नंबर की या 10 नंबर की ये मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अमित का नाम तो रजिस्टर में है ही नहीं। सर वो कुछ दिन से ऑफिस आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे ऑफिस? पता नहीं, पर शायद हो सकता है कि इस लॉक का कार्ड उनके पास हो। केविन का कार्ड हो सकता है? क्यों? अमित साहब और निशिकांत जी एक साथ काम किया करते थे, पार्टनर की तरह। पार्टनर की तरह? इस अमित का एड्रेस दीजिए जरा। ये आप लोग क्या कह रहे हैं सर? मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? पिछले 2 दिन से मैं अस्पताल में था, आज सुबह ही घर वापस आया हूँ मैं। क्या हुआ? बहुत बुखार है सर। वो लोग बोल रहे थे कोई नई बीमारी है, किसी को भी लग सकती है, इसीलिए मुझे घर भेज दिया। बताने की क्या बीमारी है? मैंने पूछा था सर, वो लोग सब डर गए थे, मुझे कहा आप तुम घर जाओ, दवाइयाँ हम घर ही भेज देंगे। आप लोग भी चले जाओ सर, ये बीमारी आप लोग को भी लग सकती है। सर अभी चलते, बाद में आते हैं ना। खूनी चाहे बीमारी क्यों ना हो, रहेगा वो खूनी, हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वैसे कौन से हॉस्पिटल में थे तुम? लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल। लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल? रेडी, इसकी चप्पल देखो। मैं सर? फ्रेडी इसकी चप्पल उतारो। मुझे कुछ हो जाएगा। उतारो चप्पल उतारो। क्यों सर? मैंने कहा चप्पल उतारो। सर बिल्कुल वैसी चप्पल है सर, 9 नंबर। अमित, जब तुम हॉस्पिटल में थे तो तुम्हारी चप्पल क्या घर पे थी? क्या मतलब? मतलब तुम्हारी चप्पल वहां ऑफिस में कैसे पहुंच गई निशिकांत का खून करने? क्या? हाँ, निशिकांत के लाश के पास तुम्हारे चप्पल का निशान मिला है। सर ये सब मुझे फंसाने की साजिश है सर, यकीन मानिए। पिछले हफ्ते किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली थी ऑफिस से, ये बिल्कुल नई चप्पल है। तुम्हारी चप्पल चुरा ली, पर तुम्हें कोई क्यों फंसाएगा? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है सर। अच्छा, निशिकांत के कैबिन के अंदर घुसने के लिए एक्सेस कार्ड की जरूरत होती है, और तुम्हारे पास भी एक एक्सेस कार्ड है ना? जी हाँ सर। दिखाओ कहाँ है। अरे ये कैसे हो सकता है सर, मैंने खुद मेरा एक्सेस कार्ड इसमें रखा था, शायद किसी ने वो भी चुरा लिया। चप्पल चोरी हो गई, एक्सेस कार्ड भी चोरी हो गया। देखो अमित, ये सब ड्रामा PID के सामने नहीं चलेगा, समझे? मैं सच बोल रहा हूँ सर। झूठ बोल रहे हो तुम। सर मुझे तो लगता है इसने एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया, ये कैबिन के अंदर घुसा और फिर वॉशरूम में इसने निशिकांत का खून कर दिया। हालत देखिए आप लोगों ने मेरी, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। आप लोग हॉस्पिटल वालों से क्यों नहीं पूछ लेते जाके? उनसे भी पूछ लेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किसी पे शक है, कौन मार सकते हैं निशिकांत को? ये जरूर रागिनी का काम होगा। रागिनी? कौन रागिनी? रागिनी हमारे ऑफिस में ही काम करती है, न्यूज रिपोर्टर है। उसके साथ निशिकांत के अक्सर झगड़े होते थे सर। किस बात को लेकर होते थे झगड़े? कि रागिनी उससे जलती थी। क्योंकि हमारे एडिटर निशिकांत को उसे बेहतर मानते थे। इसीलिए सर। रेडी पूर्वी, सिटी न्यूज के ऑफिस में जाके इस रागिनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो।
निशिकांत के खूनी का पता चल गया। पता चल गया? कौन है? रागिनी। रागिनी? हाँ सर, पूछताछ से पता चला है कि जिस वक्त निशिकांत का खून हुआ उस वक्त रागिनी ऑफिस में ही थी। जिस वक्त निशिकांत का खून हुआ उस वक्त रागिनी ऑफिस में ही थी, मगर अटेंडेंस रजिस्टर पर रागिनी का नाम ही नहीं था। रजिस्टर पर एंट्री किए बिना ही ऑफिस में घुस के खून करने का इरादा था सर उसका। पर एक बात है सर, रागिनी एक लड़की है और स्टील वायर से गला दबाने के लिए हाथों में काफी ताकत होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से रागिनी की लंबाई निशिकांत से कम है और जिस तरह से गला दबाया गया है नीचे से ऊपर, ये तो किसी लंबे आदमी का काम होना चाहिए ना सर। विवेक जरा उस ड्रॉअर से रस्सी लेके आने दे। दोनों हाथ से पकड़ो। यस। अब विवेक की हाइट मुझसे कम है, मेरे गले पे भी वैसे निशान आ सकते हैं नीचे से ऊपर अगर इस तरह से मार दिया हो। लाओ रस्सी। अब मेरे पीठ पे चढ़। यस। अगर पीठ पे चढ़ के रस्सी खींच लिया जाए तो निशान नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। क्यों? तो मतलब दया पीछे से लटक कर गला दबा दिया, शायद रागिनी ने निशिकांत का खून इसी तरह किया है। अरे आप लोगों का दिमाग ठिकाने पे तो है, आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं निशिकांत का खून कर सकती हूँ? अरे वो तो मेरे साथ काम करता था, फिर मैं उसका खून करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? और वैसे भी कभी सुना है किसी लड़की को खून करते हुए? ये तो आप रहने दीजिए कि लड़की खून नहीं कर सकती। हम लोग रात दिन खून की बातें करते रहते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन खून कर सकता है और कौन नहीं। इसीलिए आप लोगों को हर इंसान खूनी ही नजर आता है। जी बिल्कुल नजर आता है। आप ये बताइए कि कल रात जब निशिकांत का खून हुआ तो आप ऑफिस में ही थी ना? अरे ऑफिस में काम करती हूँ तो ऑफिस में ही रहूंगी ना, और ऑफिस में और भी तो लोग थे। ऑफिस में जो और लोग थे उनका नाम रजिस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ एक नाम नहीं लिखा हुआ था और वो है तुम्हारा नाम, मिस रागिनी कुमार। अच्छा, रजिस्टर में नाम नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? शायद मैं जल्दबाजी में नाम लिखना भूल गई। वैसे किस चीज की जल्दी थी आपको? कहीं भी आग लगी थी या फिर कुछ छिपाना था आपको? नहीं, कोई मेरा इंतजार कर रहा था। वैसे रागिनी जी आपका इंतजार कौन कर रहा था? निशिकांत जी नहीं, मिस्टर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य? ये वही है ना जिसके बारे में आपके अखबार ने दो हफ्ते पहले कुछ उल्टा सीधा छापा था? जी, वो आर्टिकल निशिकांत ने लिखा था, उसने विक्रम जी के ऊपर करप्शन के गलत इल्जाम लगाए थे और इसीलिए तो वो कल मुझे इंटरव्यू देने के लिए आए थे ताकि वो लोगों को बता सके कि जो पहले लिखा गया था वो सब गलत था। कमाल की बात है, अखबार का एक रिपोर्टर विक्रमादित्य के ऊपर कीचड़ उछालता है और उसी अखबार का दूसरा रिपोर्टर कीचड़ को साफ करने की कोशिश करता है, ये चक्कर क्या है? देखिए, हमारा अखबार सिर्फ सच का साथ देता है। और ये भी तो सच है कि तुम्हारी और निशिकांत की पंती नहीं थी, 36 का आंकड़ा था तुम दोनों के बीच। क्यों? मैंने उससे 2 साल पहले ज्वाइन किया था लेकिन प्रमोशन उसको मुझसे पहले मिल गया, बस इसी बात का मलाल था मेरे दिल में। रागिनी जी, इतना ही काफी है किसी को ऊपर पहुंचाने के लिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, ऐसे आपसी भेदभाव तो हर ऑफिस में होते हैं, हर कोई चलता है एक दूसरे से। दूसरे की बातें छोड़िए आप, अपनी बात कीजिए। देखिए आप लोग बेवजह मुझ पे शक किए जा रहे हैं। अरे जब निशिकांत का खून हुआ था तब विक्रम जी भी तो थे ऑफिस में। आप विक्रमादित्य पे इल्जाम लगा रही? जी नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब निशिकांत का खून हुआ तब विक्रम जी भी तो ऑफिस में थे और वैसे भी वो भी तो चिड़े हुए थे उनसे। वो तो तुम्हें इंटरव्यू दे रहे थे ना उस वक्त, तो फिर? हाँ, पर बीच में वो उठकर चले गए थे वॉशरूम और तकरीबन 15-20 मिनट तक वापस नहीं आए थे, तो हो सकता है निशिकांत का खून उन्होंने ही किया हो। विक्रमादित्य जी, 2 हफ्ते पहले सिटी न्यूज में आपके खिलाफ एक आर्टिकल छपा था जिसने बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई थी आपकी, घूसखोरी से लेकर भ्रष्टाचार के सारे इल्जाम लगाए थे आपके ऊपर। मैं उन्हीं बेबुनियाद इल्जामों की सच्चाई बताने गया था कल रात वहां पर। अच्छा, तो सच्चाई बताते बताते दिल की भड़ास भी निकाल दी? व्हाट? आपके खिलाफ जो कहानी छपी थी अखबार में
वो निशिकांत ने लिखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने निशिकांत का? What do you mean? तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो? इतना घिनौना इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए मिस्टर, फिलहाल तो आप सिर्फ एक सस्पेक्ट हैं, एक ऐसे आदमी जिस पे हमें शक है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोऑपरेट विद अस। तुम लोग मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। मैं अभी एसीपी प्रदुमन से बात करता हूँ, तभी तुम लोगों की अकड़ ठिकाने आएगी। रवि, एसीपी साहब को फोन लगाओ। सर, मिस्टर विक्रमादित्य आपसे बात करना चाहते हैं। जी सर। एसीपी साहब, ये क्या हो रहा है? आपके ऑफिसर्स मुझ पर कीचड़ उछाल रहे। What? नहीं नहीं सर, मैं सीआईडी ब्यूरो नहीं आ सकता। मैं इनके सभी सवालों के जवाब यहीं पर दे दूंगा। हाँ, यस सर, थैंक यू सर। तो मिस्टर विक्रमादित्य जी, बताने का कष्ट करेंगे? वो ऐसा है कि निशिकांत को मैंने ही पैसे दिए थे अपने खिलाफ आर्टिकल छापने के लिए। आपने? पर क्यों? पब्लिसिटी पाने के लिए। मैंने सोचा अपने ही खिलाफ अखबार में छपवा दूंगा और फिर उसी रिपोर्ट को गलत साबित करके इल्जाम राइवल कंपनी पे डाल दूंगा। पर उस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे मान लें? आप 9:30 बजे इंटरव्यू देने के लिए गए और 9:45 के आसपास वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने आप बाहर चले गए और ठीक 20 मिनट के बाद आप वापस लौटे और उसी दौरान निशिकांत जी का खून हुआ। मैं वाकई उस वक्त बाथरूम में था। पता नहीं कैसे कल अचानक इंटरव्यू देते वक्त मेरे पेट में गड़बड़ हुई और गड़बड़ इतनी ज्यादा हुई कि इंटरव्यू मुझे आधे में ही छोड़कर आना पड़ा। ये अचानक आपका पेट कैसे खराब हो गया? वैसे तो मैं खाने पीने में बहुत ज्यादा सावधानी रखता हूँ, बाहर का कुछ खाता पीता नहीं। तो फिर कल रात ऐसा क्या खा लिया था जिससे पेट खराब हो गया आपका? कल तो मैंने सिर्फ जूस ही पिया था। तो क्या किसी ने जूस में कुछ मिला दिया? जूस का फ्लास मैं खुद ही भरता हूँ। तो जूस भी खुद ही बनाते हैं? नहीं, बाजार से टेट्रा पैक खरीदता हूँ। इनकी बात पर यकीन तो नहीं होता। इनका ब्लड चेक करवाओ, पता चल जाएगा कि वाकई में इनका पेट खराब है या फिर ये ड्रामा कर रहे हैं। ये सर, मैं सिटी न्यूज के ऑफिस में ही हूँ। जी, निशिकांत के केबिन की सर्चिंग चल रही है सर। सर, मुझे भी लगता है वहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। यस सर। जी, फॉरन इन्फॉर्म करूंगा। ओके, थैंक यू सर। सर, हाँ विवेक। ये रही विक्रमादित्य जी की खून की रिपोर्ट। उनके खून में ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स मिले हैं सर। मतलब उसका पेट वाकई खराब था, झूठ नहीं बोल रहा था। यस सर, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ जूस पी रहे, खाना नहीं खा रहे। मतलब जूस में ही किसी ने कुछ मिलाया है जिससे उसका पेट खराब हो गया। हाँ काजल। तो ये देखिए सर, तो यहाँ पे कुछ है। यहाँ मेज के नीचे अखबार चिपका के रखा, निकालो जरा। अखबार यहाँ नीचे छुपा के क्यों रखा है? तो कहीं निशिकांत की खून की वजह इस अखबार में तो नहीं छिपी है? हो सकता है। ये क्या है? इस न्यूज के कुछ शब्दों को उसने मार्क कर रखा है। कौन सी न्यूज है ये? किसी किशोर नाम के बिजनेसमैन के किडनैप होने की न्यूज है ये। सर, कहीं इस किशोर की किडनैपिंग और निशिकांत के खून का आपस में कोई संबंध तो नहीं? हो सकता है। एक काम करो विवेक, वसंत नगर पुलिस स्टेशन जाओ और इस किशोर के केस की जितनी भी डिटेल्स है सब लेके आओ। शायद ये किशोर ही वो कड़ी है जो हमें इस केस में आगे लेकर जाएगा। किशोर की किडनैपिंग हुई नहीं, कोई भी उसे उठाकर नहीं ले गया था। क्या मतलब? सर, हम लोग अभी वसंत नगर पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, वहां पे किसी भी किशोर नाम के बिजनेसमैन के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई है। अरे कुछ भी बोल रहा विवेक, तुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं मालूम? वो बात नहीं है सर। सर, हम लोग किशोर के घर गए और वहां जाकर पता चला कि किशोर नाम का आदमी कोई रहता ही नहीं है। उस एड्रेस पे कोई घर है ही नहीं। उस एड्रेस पर कोई घर है ही नहीं, तो इसका मतलब है पेपर वालों ने ये झूठी खबर छपवाई।
सर निशिकांत ने एक खबर लिखी नहीं है, मगर ये अखबार उसने छुपा के रखा था, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा सर। और दया, इस खबर की वजह से ही निशिकांत का खून हुआ है। विवेक, पूर्वी, काम करो, इस पेपर के एडिटर के पास जाओ और उससे पूछो कि ये स्टोरी किसने लिखी। यस सर। पर सर ये स्टोरी नकली है तो फिर छापी क्यों होगी? सर हो सकता है अखबार में छापने के लिए कुछ मसाला ना रहा हो, इसलिए मनगढ़ंत स्टोरी छाप दी। नहीं निखिल, इसके पीछे कुछ और ही है। जरूर ये रेड कोट नॉर्दर्न साइड टू आर्म मेन, ये जरूर कोई कोड वर्ड है, कुछ तो छुपा है इन शब्दों के पीछे। हाँ सर, खबर में छुपा के कोई खुफिया संदेशा भेजा जा रहा है। लेकिन क्या क्या मतलब हो सकता है इन तीन शब्दों का? रेड कोट नॉर्दर्न साइड टू आर्म्ड मेन। सर रेड कोट का मतलब किसी लाल गाड़ी या किसी लाल कलर के कुरियर से तो नहीं है? लाल रंग की गाड़ी मतलब पोस्ट वैन, पार्सल कुरियर या कार्गो वगैरह हो सकता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये कुछ और ही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, कोई बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा, मगर क्या? माय गॉड, आज 26 जनवरी है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि कोई हमला होने वाला है आज 26 जनवरी के दिन? मुझे भी यही लगता है सर। कहां पे सर? वसंत नगर। वसंत नगर तो बहुत बड़ा एरिया है सर, किस जगह पे होने वाला पता कैसे चलेगा? ये रेड कोट लाल कोट मार्केट। लाल कोट मार्केट? तो फिर दया, लाल कोट मार्केट के नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न साइड मतलब उत्तरी दिशा में। उत्तर दिशा में कहां पे सर? सर ये क्रॉस रोड देखिए, इसमें ये क्लॉक टावर लिखा हुआ है। हाँ तो लाल कोट मार्केट के उत्तरी दिशा में चार क्लॉक टावर्स हैं सर। तो फिर दया, ये जो फाउंटेन लिखा है, इसका कोई ना कोई तो मतलब जरूर है दया। फाउंटेन? सर उन चार क्लॉक टावर में से एक क्लॉक टावर के नीचे ये फाउंटेन भी है। तो इसका मतलब है जो भी धमाका होने वाला है वो वसंत नगर के लाल कोट मार्केट के उत्तरी दिशा में, जहां पर चार क्लॉक टावर है और जिसमें एक क्लॉक टावर के पास में फाउंटेन है, वहीं पर। धमाका कब होगा सर? रेडी, ये पेपर कल का है, 24 घंटे पहले का। इसके खबर के मुताबिक किशोर की किडनैपिंग कल दोपहर को 3 बजे हुई, और पुलिस ने कहा था कि ये केस वो 24 घंटे में सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है धमाका आज दोपहर के 3 बजे होने वाला है। सिर्फ 1 घंटा बचा है सर। माय गॉड, तीन बजने में 5 मिनट बाकी है। संभाल के मैम, आपको कुछ नहीं होगा। संभाल के, संभाल के दूसरी गाड़ी भिजवा। काजल, काजल सर, क्या हुआ? आई एम ओके सर। पता नहीं आतंकवादी हमारे देश को निशाना क्यों बनाते हैं। सेंटिमेंटल का टाइम नहीं है काजल, ये पता लगाना जरूरी है इस ग्लास के पीछे कौन है। एक बार ये लोग हाथ में आ गए ना, एक एक ग्लास का हिसाब लेंगे इनसे। सर बॉम्ब इसी कार में लगा के रखा था। देखो अंदर कुछ मिलता है क्या? यस सर। कहीं ये ब्लास्ट कोई चेतावनी तो नहीं है आगे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत के लिए? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ CID से। लाल कोट मार्केट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हाँ, लगता तो है किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है। आप पूरे शहर में रेड अलर्ट करवा दो अभी के अभी। या
सर। आने सर, चेचिस नंबर मिल गया। मिल गया जी सर। क्या है? 1PO 9834F। 9834F, वेरी गुड। पता चल जाएगा इस कार का मालिक कौन है। हेलो RTO, कहिए किसे मिलना है आपको? प्रतीक से मिलना है। मैं ही प्रतीक हूं। ZX09 7097, ये तुम्हारी गाड़ी का नंबर है? जी हाँ, पर वो गाड़ी तो मैंने 20 दिन पहले बेच दी। आतंकवादियों को बेच दी? आप लोग है कौन? आतंकवादियों के बाप, CID। क्या हुआ सर मेरी गाड़ी को, क्या हुआ? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 150 लोग मारे गए। ब्लास्ट? सर सर मेरे यकीन कीजिए सर, मैंने वो गाड़ी 20 दिन पहले बेच दी। कार किसे बेची? सर वो शेरा नाम के किसी आदमी को। शेरा का एड्रेस तो होगा ना, कहाँ रहता है शेरा? वो तो पता नहीं है सर। तुमने शेरा को कार बेची और तुम्हें मालूम नहीं कहाँ रहता है? उसका एड्रेस नहीं तुम्हारे पास? सर मेरे बेटे ने इंटरनेट पे ऐड डाली कार बेचने के लिए, शेरा ने सारे डील वही मंजूर कर ली। बिना कार को देख के उसने खरीदने के लिए हाँ कर दिया? सर वो मेरे बेटे ने कुछ फोटोज डाली थी कार की, तो शेरा को कार पसंद आ गया। तुम्हारे बेटे को बुलाओ। वो तो पुणे गया है सर, ऑफिस के काम से। आई सी। अच्छा, इस शेरा ने पेमेंट चेक से किया होगा ना? नहीं सर, शेरा ने मेरे बैंक अकाउंट में कैश जमा करवा दिया था और फिर घर आकर कार की चाबी ले गए। शेरा घर आया था तो तुमने उसे देखा है? उसका स्केच बनवा सकते हो? नहीं सर, वो जब आया था घर पे, मैं था नहीं घर पे। वो खुद आके तुम्हारे घर के अंदर से गाड़ी की चाबी लेके गया? सर मेरे नौकर ने दी थी चाबी। नौकर को बुलाओ। उसे तो मैंने पिछले हफ्ते ही नौकरी से निकाल दिया था, अब पता नहीं कहाँ होगा। कमाल है सर, इसके पास तो सभी बहाने पहले से ही तैयार है। शेरा का ईमेल एड्रेस है या वो भी नहीं है तुम्हारे पास? हाँ सर, ईमेल एड्रेस है। चलो शुक्र है किसी चीज के लिए तो हाँ बोला तुमने। देखिए सर, आगनी का जरूर उन लोगों के साथ कनेक्शन है जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, और इसीलिए उसने पेपर में वो झूठी कहानी छपवाई थी। देखने में एक कहानी और असल में बॉम्ब ब्लास्ट करने वालों के लिए वो कोड वर्ड था। और निशिकांत को इस बात की भनक लग गई थी, शायद इसीलिए रागिनी ने उसका खून कर दिया। गजर, तो पीछे देख। लगता है रागिनी दरवाजा नहीं खोलने वाली। मैं दरवाजा तोड़ूं? तोड़ दो। क्या हुआ काजल? सर रागिनी यहाँ से भाग रही है। ओह माय गॉड, दे दे तू उधर जा, मैं यहाँ देख। खेल खत्म हो गया है रागिनी कुमार। हाँ ठीक कहा तुमने, खेल खत्म हो चुका है। रागिनी, 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 ये तो मर गई। shera85@gmail.com से एक ईमेल भेजा गया था तुम्हारे साइबर कैफे के किसी कंप्यूटर से, देख सकते हो? जी हाँ सर, नेम और एड्रेस दोनों मिल गया सर। 53 मयूर विहार सिप्रा रोड, शेरा से मिलना पड़ेगा। थैंक्स। यस सर। एक धमाका तो हो चुका है, बाकी के धमाके कहाँ होने वाले हैं? ये राज तो रागिनी की मौत के बाद दफन हो चुका है। भले ही रागिनी की मौत हो चुकी हो, लेकिन कोई ना कोई कड़ी यहाँ से जरूर मिलेगी जो हमें यह बता सके कि इन आतंकवादियों का मकसद क्या है। क्या है उनका मकसद? घर का कोना कोना छानना।
क्या मिला? गन। ये तार, इसपे खून लगा हुआ है। कहीं ये वही तार तो नहीं जिससे निशिकांत का खून किया गया था? हो सकता है। और ये वो एक्सेस कार्ड, शायद ये अमित का ही होगा। ये रही मिस्टर विक्रमादित्य के पेट खराब होने की वजह। माय गॉड, देखो और कुछ मिलता है क्या? ये देखिए सब। काका जी, इतने सारे पासपोर्ट, एक ही शक्ल है पर हर पासपोर्ट में नाम अलग अलग है। प्रीति, अमृता, शिल्पा, नुपुर, कामना, लक्षिता। और यहाँ पे ये रागिनी बनके रह रही थी और उसने अखबार में जर्नलिस्ट की नौकरी भी की ताकि आसानी से छुप छुप के आतंकवादियों को मैसेज भेज सके। इन लोगों ने काफी लंबी प्लानिंग की है। अखबार में आर्टिकल्स और क्रॉसवर्ड के जरिए पूरे देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। हाँ विवेक, इसका लैपटॉप चेक करो, देखें क्या मिलता है। ये है रागिनी का आखिरी आर्टिकल। आर्टिकल पे आज ही की तारीख लिखी है। फिर तो इसमें भी कोई सीक्रेट मैसेज होगा उन आतंकवादियों के लिए। मगर आज का अखबार तो छप चुका है, हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। न जाने कितने मासूम और बेगुनाहों की जान जा सकती है अगर हमने उन्हें वक्त पे नहीं रोका तो। तो कोई दिख नहीं रहा। आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बदल तो नहीं दिया? सर कहीं शेरा ने साइबर कैफे में गलत एड्रेस तो नहीं देते? इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, अगर वो आतंकवादी यहां पर थे तो कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। देखो यहीं पे बनाया था। ये लोग एक बार भी नहीं सोचते ऐसा घिनौना काम करने से पहले। लोगों के दिलों में नफरत भरी पड़ी है। लालकोट मार्केट पे जो ब्लास्ट हुआ है ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। असली अटैक कहीं और होगा सर।
क्या ये दूसरा अटैक कहां पर होगा? ये मुझे लगता है हमें रागिनी के आर्टिकल से पता चल जाएगा। रागिनी के आर्टिकल से विवेक, क्रॉसवर्ड पजल हो गए? हाँ सर, क्रॉसवर्ड्स में जो वर्ड्स मिले हैं वो है एंटरटेनमेंट, प्रेशियस, कोचिंग, टाइम और रॉयल। एंटरटेनमेंट, प्रेशियस, कोचिंग, टाइम और रॉयल, तो इनके कोई कनेक्शन है रागिनी के आर्टिकल में से? रागिनी के आर्टिकल में हमने ये वाले शब्द मार्क किए सर। क्लब, स्कूल, 9 o'clock, नेकलेस ऑफ क्वीन पर्ल, ये क्या हो सकता है? सर, रानी चौक को क्वीन पर्ल नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पे जितनी भी दुकानें हैं वो नेकलेस के शेप में है सर, सेमी एंगुलर शेप में। मतलब अगला ब्लास्ट रानी चौक में होगा? रानी चौक एरिया कोई भीड़ भाड़ का इलाका तो नहीं है, ज्यादातर टेरिस वहीं पर ब्लास्ट करते हैं जहां पर काफी सारे लोग मर सकते हैं। एक काम करो, शहर का मैप लेकर आओ। ये देखो, ये रानी चौक इलाका है। अब हम देखते हैं कि क्रॉसवर्ड में ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें बताएंगे कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कहां पर होने वाला है, रानी चौक इलाके में। सर, क्रॉसवर्ड में ये शब्द है कोचिंग और इस आर्टिकल में शब्द है स्कूल, तो रानी चौक इलाके में ये जो स्कूल है, टॉयलैंड स्कूल, कहीं ये ब्लास्ट स्कूल में तो नहीं होने वाला है? टॉयलैंड स्कूल, माय गॉड। पूर्वी, टॉयलैंड स्कूल में अभी इसी वक्त फोन करो और उनसे पूछो कि आज 26 जनवरी है तो उनके स्कूल में कोई फंक्शन है क्या, और अगर है तो कैंसिल करो फंक्शन इसी वक्त, जल्दी। हेलो टॉयलैंड स्कूल, हाँ जी, हाँ जी, मैं सीआईडी से सब इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ। आपके स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है 26 जनवरी को? क्या नहीं? ओके सर। सर, उनके स्कूल में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक हफ्ते से स्कूल बंद है। इसका मतलब है निशाना कोई और ही है, स्कूल नहीं। सर, इस क्रॉसवर्ड में ये एक और शब्द है एंटरटेनमेंट, उस आर्टिकल में ये शब्द है क्लब, और रानी चौक इलाके में बहुत सारे रिक्रिएशनल क्लब है, तो कहीं ये ब्लास्ट किसी क्लब में तो नहीं होने वाला? हो सकता है। हेलो, हाँ, आतंकवादी संगठन के बारे में पता चल गया? वेरी गुड, हाँ, ओके, या थैंक यू सो मच। सर, ये काम किसी तर्कश आतंकवादी गुट का है सर। तर्कश? यार, इन लोगों ने तो बहुत सारे शहरों में बहुत से ब्लास्ट किए हैं, कितने सारे लोगों की जानें ली हैं, लेकिन इस बार हम उनका मकसद पूरा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे मकसद पूरा। विवेक, इंटरनेट से पता लगाओ इनके तर्कश की गतिविधियों के बारे में, निकालो कुंडली उन्हें। सर, तर्कश ने हमारे देश में 5 आतंकवादी हमले किए थे, और आज लालकोट मार्केट में जो हमला हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो छठा था, और पिछले साथ आर्मी के साथ हुई मुठभेड़ में तर्कश के 2 आतंकवादी मारे गए थे। तर्कश की आर्मी के साथ मुठभेड़, क्या हुआ था? एक मिनट सर, क्या हुआ है? ये देखिए सर, आज अशोक क्लब में एक फंक्शन है, इस फंक्शन में आर्मी ऑफिसर को उनकी बहादुरी के लिए मेडल दिए जाएंगे, और इन ऑफिसर में कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो पिछले साल तर्कश के आतंकवादियों को मारने में शामिल थे। अशोक क्लब रानी चौक में ही है, अब समझ में आया गया शेरा के घर के दीवारों पर बदला ये शब्द क्यों लिखा है। बदला तो इन आतंकवादी कीड़ों का अगला निशाना है अशोक क्लब। मिस्टर रघु, यस सर, मैं इसे भी प्रद्युमन सीआईडी से। चलिए सर। सर, आपका फोन आते ही मैंने पूरे क्लब की सिक्योरिटी टाइट करा दी सर। ये अंदर आने के कितने दरवाजे? 5 दरवाजे सर, और 5 के बाहर कड़ा पहरा है। और अगर हमला उन्होंने ऊपर से किया तो? सर, हमारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर ऊपर सिक्योरिटी राउंड लगा रहे हैं। मिस्टर रघु, आपकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, मगर हम यहाँ किसी मामूली आतंकवादी ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दुनिया का बहुत ही खतरनाक आतंकवादी ग्रुप तर्कश के बारे में। इन्होंने कई बार कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी में घुसकर हमला किया है। एक काम करो, क्लब का ब्लूप्रिंट दिखाओ हमें। दे आतंकवादी अंडरग्राउंड से ही आएंगे। ये देखो, एंट्रेंस के नीचे 4 ड्रेनेज टनल है, 1A, 1B, 2A, 2B, और हॉकी के पीछे की तरफ
ड्रेनेज 3A और 4A दो, कुल मिला के 6 टनल दे रहा है। तो लगता ये अंडरग्राउंड से ही आएंगे, टनल में से। तो सामने के जो 4 टनल्स है इस पे तो सिक्योरिटी है, मगर ये पीछे 2 ड्रेनेज जो है इस पे सिक्योरिटी लगाई नहीं सर। नहीं, व्हाट नॉनसेंस, किस तरह की सिक्योरिटी है ये, दिखाइए हमें। गया, यहीं से आएंगे वो। चलो दे, काम तमाम हो गया। जरा मैप ला। ये वो दोनों ड्रेनेज टनल्स हैं। यहां से रास्ता किचन की तरफ जाता है, किचन में छुपे होंगे वो लोग। लेट्स गो। किसी को बाहर का आदमी आया नहीं सर, यहां तो सब अंदर के ही लोग हैं। सर सर, रामू और गणेश को किसी ने स्टोर रूम में बंद के रखा है। रामू और गणेश? हाँ जी। किधर? स्टोर रूम में। ओह माय गॉड, इसमें क्या है? वो लोग थे सर, हमारे कपड़े पहनकर ऑडिटोरियम में गए हैं। तुम्हारे कपड़े पहनकर ऑडिटोरियम में? वेटर के कपड़े पहनकर? हमारे देश का आजाद करवाने के लिए अनगिनत नौजवानों ने अपनी जान दे दी। आज हमें स्वतंत्रता मिली है तो सिर्फ उन देशभक्त सिपाहियों की वजह से जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज हम चैन की सांस ले रहे हैं तो उसका श्रेय सिर्फ हमारे नौजवान सिपाहियों को जाता है। आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे देशभक्त सिपाहियों की वजह से। और आज इस ब्रेवरी अवार्ड्स का आयोजन किया गया है तो वो सिर्फ उन सिपाहियों के सम्मान के लिए। सीआईडी और एक बंदा मिला है, तरकस ग्रुप का, चेहरा का साथी है सर, भागने की कोशिश कर रहा था। हटे, हटे। खेल खत्म। एक सलाम देश के वीरों के नाम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।